अकाउंट ट्रिक्स चैनल देखने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि जस्ट 4 मंथ्स में आप देख रहे हो मेरे चैनल का टोटल वॉच मिनट हो गया 60,000 प्लस और अराउंड मोर देन 500 सब्सक्राइबर ने इस चैनल में अपना सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जिस तरह मैंने अभी ये 70-80 वीडियोस आपको रिलेटेड टू 12th के अपलोड किए हैं, आगे भी मैं इसी तरह आपको मेरे वीडियो अपलोड करते रहूँगा और आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6। सो आज के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सो फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये जो सुहास लिमिटेड नाम का कंपनी, इन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है और ये शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। सो प्रीमियम का मतलब होता है ₹10 का शेयर ये ₹12 में इशू कर रहे हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹3, एप्लीकेशन पे इन्होंने लोगों को डिमांड किया है कि उनको ₹3 पे करना है। ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में जो भी ये शेयर सब्सक्राइब करेगा उसे अलॉटमेंट के ₹3 और प्रीमियम के ₹2, ऐसे टोटल ₹5 पे करने हैं। एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2। इस तरह ये टोटल ₹12 देखो सुहास लिमिटेड ने इस तरह पार्ट में लोगों से सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए कहा है। अब क्या हुआ देखते हैं। फाइनली 11,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर द एप्लीकेशन। इन्होंने टोटल 10,000 एप्लीकेशन इशू किए थे, लेकिन इनके पास टोटल 11,000 एप्लीकेशन आ गए और कंपनी ने भी डिसाइड किया कि 1,000 एप्लीकेशन रिफंड नहीं करना है, इनको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना है। इसका मतलब कंपनी ये टोटल जितने भी शेयर्स आए उनको एक पर्टिकुलर रेशो में लोगों को इशू करेगी। नाउ द एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। ये जो एक्सेस मनी आया है, कौन सा एक्सेस मनी आया है? टोटल शेयर कितना इशू किया था 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने आ गए 11,000। सो 1,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आए उसका जो एप्लीकेशन मनी आएगा वो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के मनी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। ये भी हमारा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, एक मिसेस शोभा है हु वेयर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर। एक मिसेस शोभा थी जिनको 200 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो फर्स्ट कॉल का ₹2 और फाइनल कॉल का ₹2 पे नहीं कर पाई, सो दैट हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरफिटेड। जब कोई शेयर जो इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ये उसके लिए कंडीशन होता है कि उसे ये चारों जो पार्ट पेमेंट है वो फुल पेमेंट करने हैं। मतलब एप्लीकेशन का पैसा भी पूरा देना है, अलॉटमेंट का पैसा भी प्रीमियम के साथ पूरा देना है, फर्स्ट कॉल का भी ₹2 भरना है और फाइनल कॉल का भी ₹2 भरना है, उसके बाद ही वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर इसमें से कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता तो कंपनी उसे उसका शेयर फॉरफिट करती है, मतलब उसका शेयर कैंसिल किया जाता है और फिर उसने जो पैसा भरा है वो भी उसे वापस नहीं मिलता। तो ये जो मिसेस शोभा है, देखो पहले देख लेते हैं मिसेस शोभा ने कितना पैसा भरा है और कितना पैसा वो नहीं भर पाई, तो उसका कितना पैसा डूब गया। मिसेस शोभा ने टोटल 200 शेयर्स का शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 200 शेयर्स का उसने एप्लीकेशन मनी ₹3 भर दिया है, मतलब ₹600 हो गया। देन अलॉटमेंट में भी उसने टोटल ₹5 भर दिया है, मतलब उधर भी उसने ₹1,000 भर दिया होगा। देन फर्स्ट कॉल का ₹2 और फाइनल कॉल का ₹2 वो नहीं भर पाई। इसका मतलब 200 शेयर के पीछे फर्स्ट कॉल का ₹2 के हिसाब से ₹400 और फाइनल कॉल का भी ₹2 के हिसाब से ₹400। इस तरह ये जो मिसेस शोभा है वो टोटल ₹800 नहीं भर पाई और उसके वजह से उसका शेयर्स
फॉरफिट हो गया। सो आज के इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या करना है, नीचे दिया है, देखो, शो जरा एंट्रीज, आपको सब जरा एंट्री पास करनी है, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी करना है। सो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। अगर वर्किंग नोट आपको अच्छी तरह समझ में आया तो वन बाय वन जरा एंट्री डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो एट योर वर्किंग नोट, जैसे कि मैंने लास्ट भी जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था उसमें भी जिस तरह हमने वर्किंग नोट बनाई थी उसी तरह ये वर्किंग नोट रहेगी। सबसे पहले इनके पास एप्लीकेशन आए, ऑन एप्लीकेशन 11,000 एप्लीकेशन आए थे, और एप्लीकेशन पे टोटल एक एप्लीकेशन 3 रुपीज़, इस हिसाब से 11,000 एप्लीकेशन पे टोटल इनके पास जमा हो गए 33,000, दैट 11,000 इंटू 3, 33,000 इनके पास टोटल जमा हो गए। इस 33,000 में से एग्जैक्टली सिर्फ 30,000 ही जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स। सो जो 10,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आया है, सो 10,000 इंटू 3 वो 30,000 जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो रिमेनिंग 3,000 है वो हो गया एक्सेस अमाउंट। वो एक्सेस अमाउंट इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक्सेस अमाउंट वो अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। तो चलो मैं 33,000 के दो पार्ट कर रहा हूँ, 30,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंड जो रिमेनिंग 3,000 है वो एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट मनी। ओके, तो ये हो गया हम लोग का जो अभी तक हमें स्टेटमेंट दिया उतना कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं अलॉटमेंट मनी के वक्त कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए। तो देखो अलॉटमेंट मनी में इनके पास आना चाहिए, देखो अंडरलाइन किया है मैंने अलॉटमेंट मनी में 5 रुपीज़। सो 10,000 लोग जब 5 रुपीज़ पे करेंगे, अभी आपको 10,000 ही सोचना है, अभी 11,000 नहीं सोचना है। हमेशा जो इशू किए अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब के वक्त आपको सिर्फ इशू किए हुए जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उन पे ही ध्यान देना होता है। सो अलॉटमेंट के वक्त इस कंपनी ने 5 रुपीज़ का डिमांड किया है और टोटल 10,000 शेयर इशू किए थे। सो 5 × 10,000 इनके पास टोटल अलॉटमेंट मनी 50,000 जमा होना चाहिए। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया था, देखो ये अंडरलाइन समझ लो, द एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी के वक्त आपके पास जो एक्सेस अमाउंट है जो मैंने अभी आपको बताया 3,000, वो अलॉटमेंट मनी में आपको एडजस्ट करना है। तो वो 3,000 लेस एप्लीकेशन मनी, कौन सा एक्सेस वाला, देखो मैं एरो बना के आपको बता रहा हूँ इधर, ये 3,000, ये 3,000 और नीचे लिखा भी है एडजस्टेड विद अलॉटमेंट मनी, तो ये 3,000 मैं 50,000 में से माइनस करूँगा। इसका मतलब अब मैं जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करूँगा तो वो 47,000 होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी में जो एक्सेस पैसा मिला है वो मैंने अलॉटमेंट मनी में शिफ्ट किया था। तो इधर तक का जितना भी एंट्री है वो पहले पास कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम में ये सब एंट्री मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन की है। तो देखो इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन 11,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, इसका मतलब 33,000 एप्लीकेशन का इनके पास आया है, और एप्लीकेशन का एंट्री आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उसका एंट्री आपको अभी परफेक्टली बैट हो गया होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 11,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, 11,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 33,000 इनके पास एप्लीकेशन मनी आ गया। अब ये जो 33,000 इनके पास आया था इसमें से 30,000 इन्होंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो एक्सेस 3,000 है वो उन्होंने अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया है। तो अभी वो एंट्री पास करते तो ये जो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अभी क्रेडिट में है वो चला जाएगा डेबिट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,000, और 2 में आएगा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। क्यों 30,000? क्योंकि 10,000 शेयर ही हमने इशू किए थे 3 रुपये के हिसाब से, वो 30,000 जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस आपके पास जो 3,000 पड़ा है दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, वो हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो इस तरह नरेशन देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 एप्लीकेशन
ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 एप्लीकेशन के पीछे जो एप्लीकेशन मनी आया वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एंड बैलेंस टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बैलेंस पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। अभी याद रहने दो, आपने एप्लीकेशन मनी का 3,000 पहले ही अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर किया है। इसका मतलब आगे चल के जितना भी अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव करना है उसमें से ये 3,000 आपको माइनस करना होगा। ओके, सो मूविंग टू थर्ड एंट्री में क्या हुआ। ऑन अलॉटमेंट में हम लोग कितना पैसा लेने वाले लोगों से, 3 रुपया लेने वाले हैं अलॉटमेंट का और 2 रुपीज लेने वाले हैं प्रीमियम का। तो इस तरह 5 रुपीज एक शेयर के पीछे, टोटल 10,000 शेयर्स है, तो 50,000 अलॉटमेंट में इनके पास आना चाहिए। किस तरह, देखिए, पहले हम ड्यू का एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ₹3 एंड प्रीमियम ₹2 ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, मतलब 10,000 लोगों से अलॉटमेंट मनी का 3 रुपया आना बाकी है और प्रीमियम का 2 रुपया आना बाकी है। इस तरह ये 50,000 हो गया। तो उसे हम स्प्लिट करके दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से जो 3 रुपया अलॉटमेंट का आने वाला है वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस प्रीमियम का 2 रुपया हमारे पास आ रहा है वो हमेशा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। बट मैंने आपको इधर बता दिया 30,000 कैसे आ गया, तो 10,000 शेयर के पीछे 3 रुपये के हिसाब से 30,000। इसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000, ये भी कैसे वो भी देख लो, 10,000 शेयर के पीछे 2 रुपीज़ प्रीमियम का, तो वो 20,000। नरेशन हो गया, बिंग अलॉटमेंट मनी ₹3 एंड प्रीमियम ₹2 ड्यू ऑन 10,000 शेयर। ये ड्यू का एंट्री है, इतना पैसा लोगों से अलॉटमेंट के वक्त आना बाकी है 50,000। लेकिन ऑलरेडी इसमें से 3,000 हम लोग ने पहले ही एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट कर लिया था। तो 50,000 माइनस 3,000, अभी जो मैं नेक्स्ट बैंक का एंट्री पास करूंगा वो 47,000 का रहेगा। देखो ऊपर दिया आपको, आउट ऑफ 50,000 ₹3,000 एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये जो 50,000 है इसमें से पहले ही 3,000 हमने एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट कर लिए है, तो बैलेंस 47,000 है, उसका एंट्री पास होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 47,000 बीइंग बैलेंस मनी ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो इस तरह हमारा अलॉटमेंट का भी एंट्री हो गया। अब आज के क्वेश्चन का जो अलग एंट्री है वो आपको समझना है। देखो ये एक मिस्टर मिसेस शोभा है, ये मिसेस शोभा जिसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन का पैसा भर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भर दिया, लेकिन वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाई और सेकेंड कॉल का भी पैसा, फाइनल कॉल का भी पैसा वो नहीं भर सके। तो ऐसे केस में क्या करना है वो हमें आज के लेक्चर में स्पेशली देखना है। तो समझ लो फर्स्ट कॉल का एक्चुअली टोटल कितना पैसा आना चाहिए, 10,000 लोग हैं, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 जमा होना चाहिए। तो पहले ड्यू का एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ₹2 ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर के पीछे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 कंपनी के पास आना बाकी है। और क्या हुआ, पूरा 20,000 नहीं आया। जो मिसेस शोभा है उसके पास 200 शेयर थे, 200 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उसने 2 रुपया नहीं भरा है, मतलब उसका 400 रुपया कंपनी के पास नहीं आया। देखो कैलकुलेशन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ₹19,600, सिर्फ 19,600 ही आया बिकॉज मिसेस शोभा नॉट पेड 200 शेयर इंटू ₹2, मतलब 400 रुपया मिसेस शोभा ने नहीं भरा है। तो 20,000 माइनस ये 400 करने के बाद हमें सिर्फ रिसीव हुए हैं 19,600। तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री देखो किस तरह पास होगा। सिक्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 19,600, क्योंकि मिसेस शोभा ने फर्स्ट कॉल का 400 रुपया नहीं भरा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट मिसेस शोभा हु वेयर अलॉटेड 200 शेयर, तो बाकी सब लोगों का फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, लेकिन ये जो मिसेस शोभा है उसके पास जो 200 शेयर है उसका 2 रुपया नहीं है, इसके लिए 400 रुपया कम मिला है हमें। इसी तरह सेम यही दो एंट्री होने वाला आगे भी, फर्स्ट कॉल की जगह आपको फाइनल कॉल लिखना है, क्योंकि यही मिसेस शोभा ने फाइनल कॉल का भी 2 रुपया नहीं भरा है।
सो अगेन फाइनल कॉल का पैसा आना चाहिए था 10,000 शेयर के पीछे 2 रुपये के हिसाब से 20,000। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ₹2 ड्यू ऑन 10,000 शेयर, ये सेम एंट्री हो गया। अगेन इधर भी हुआ है मिसेस शोभा फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है सिर्फ 19,600 बिकॉज मिसेस शोभा नॉट पेड 200 शेयर इंटू ₹2, ₹400 उसने नहीं भरा है तो कंपनी के पास सिर्फ 19,600 आया है। सो 8th एंट्री भी सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,600 सेम नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट मिसेस शोभा हु वेयर अलॉटेड 200 शेयर। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री जिसमें कुछ पैसे हमारे पास नहीं जमा हुए। आठ जर्नल एंट्री हो गया है, अभी 9th जर्नल एंट्री आपके सबके लिए नया है। ये जो पैसा नहीं आया है तो ऑब्वियसली मिसेस शोभा का टोटल 200 शेयर कंपनी कैंसिल कर देगी। तो कैंसिल कर देगी मतलब ऑब्वियसली तो 200 शेयर के पीछे 200 शेयर कंपनी का, इसका मतलब कंपनी के पास 200 शेयर का पैसा पूरा आया नहीं, ऐसे ही कंपनी अज्यूम करती है। और इसलिए अभी तक हमने देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ये सेंटेंस हमेशा क्रेडिट में लिखा है क्योंकि हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। लेकिन हम तो चाहते थे कि हम टोटल 10,000 शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल बनाए, 10,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख। लेकिन 10,000 में से 200 शेयर का हम इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बना सकते क्योंकि मिसेस शोभा ने 200 शेयर का पूरा पैसा नहीं भरा है। तो अभी हमें उसके शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे और ये कैंसिलेशन का एंट्री आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखो किस तरह कैंसिलेशन का एंट्री इसके आगे आपको पास करना है। सो मिसेस शोभास 200 शेयर फॉरफिटेड, मिसेस शोभा का 200 शेयर कैंसिल हो गया। फॉरफिटेड का दूसरा मतलब कैंसिल कर दिया, क्यों? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। तो एंट्री देखो किस तरह पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट टाइम हमारे प्रॉब्लम में, अभी तक मैंने आपको इतने प्रॉब्लम पढ़ाए, फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में आ रहा है। तो याद रखो जब भी शेयर फॉरफिटेड होता है तो इक्विटी शेयर डेबिट में आता है क्योंकि उतने शेयर कैंसिल किए जाते हैं। 2,000 कैसे आ गया, 200 शेयर है, 10 रुपये के हम पूरा 10 रुपये के हिसाब से उसे कैंसिल करेंगे, मतलब पूरा फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा आपको कट करना है। सो 200 शेयर इंटू 10 रुपीज़ 2,000। अभी किस तरह क्या फॉरफिट हुए तो स्प्लिट करके दिखाएगी हम लोग। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का 400 नहीं आया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का भी 400 नहीं आया, और जो उसका पैसा आया है हमारे पास उसे हम कहेंगे शेयर फॉर फ्यूचर 1,200 रुपया। अब इधर बहुत लोगों को ये डाउट होगा, कह रहे सर उसने तो ज़्यादा पैसा भरा है, 3 रुपये एप्लीकेशन में भरा था फिर 5 रुपया भरा था। देखो 5 रुपये अलॉटमेंट के वक्त उसने 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया प्रीमियम का, वो प्रीमियम को आपको कभी शेयर के वैल्यू में पकड़ना नहीं है, उसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया अलग से। तो आप सिर्फ 10 रुपये के बारे में सोचो, 10 रुपये में से उसने 4 रुपया नहीं भरा, मतलब उसने सिर्फ 6 रुपीज़ कंपनी के पे किए हैं। तो 6 रुपीज़ फॉर 200 शेयर 1,200 रुपये उसका अपने पास आया है, और उसे कहा जाता है जो पैसा उसका हमारे पास आ गया है उसको लिखना होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और जो नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल का नहीं आया तो सेकंड कॉल लिखेंगे, इधर दोनों भी कॉल का नहीं आया हमने दोनों कॉल का लिख दिया। टोटल 2,000 नरेशन देखो, बीइंग फॉरफिट फॉर फ्यूचर ऑफ 200 शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने की वजह से मिसेस शोभा का टोटल 200 शेयर कैंसिल कर दिया गया और मिसेस शोभा को अभी वो 1,200 रुपया वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वो 800 रुपया नहीं भर सकी। तो ये जो शेयर फॉरफिचर है ये पैसा कंपनी कभी भी उस आदमी को वापस नहीं देती। शेयर पर सब्सक्राइब करते समय ही उन्हें बताया जाता है कि आपको फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी सेकंड कॉल सब पैसा भरना है, इसमें से आप जो भी नहीं भरोगे
तो आपने जो भरा है वो भी आपका चला गया, आप उसका डिमांड नहीं कर सकते। ओके, तो अभी ये कंपनी को फ़ायदा हो गया। कैसे फ़ायदा हो गया? इसका 1200 रुपये कंपनी के पास आ गया, वो जो उसको वापस नहीं करना है कंपनी को। तो ये जो 1200 रुपये कंपनी के पास आया है, और कंपनी के शेयर भी अभी कंपनी के पास ही है, वो 200 शेयर कंपनी बाद में दूसरे किसी को दे देगी, वो हम लोग आगे के प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। फिलहाल तो कंपनी के पास अपने 200 शेयर वैसे ही पड़े हैं, और इस मिसेस शोभा के 1200 एक्स्ट्रा आ गए। तो ये जो 1200 एक्स्ट्रा आए हैं मिसेस शोभा के, ये कंपनी ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो आपका शेयर फॉर फ्यूचर अभी क्रेडिट में है, बस नेक्स्ट एंट्री में आपको उसे डेबिट में लिखना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1200 रुपया, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200। नरेशन, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब चाहिए तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाओ, उसमें ये पोस्टिंग कर लो, जो बैलेंस दिखेगा बैलेंस को कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है। इसका मतलब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को जब हमने क्लोज किया तो जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व लिखा है, और वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। अब आज की इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला है, आपको साथ में बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। और अब इतना सब होने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और वो बैलेंस शीट टैली भी होना चाहिए। अब जितना मेरा जर्नल एंट्री था, सब जर्नल एंट्री तो मैंने पास कर दिया। अब मैं पहले ही ये सब जितना भी जो 10 जर्नल एंट्री है उसका टोटल कर लेता हूँ। तो देखो, सब का अगर आप कैल से लेके प्रॉपर टोटल करोगे तो ये टोटल आने वाला है 2,45,400। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। बट बिफोर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, मुझे आपको एक बैंक अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका असेट आता है, और असेट में अभी फिलहाल आपके पास कुछ नहीं है, तो बैंक अकाउंट होगा, पैसा होगा। सो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है, आपने हर एंट्री में देखा होगा। पहले जैसे हमने एप्लीकेशन मनी में बैंक अकाउंट डेबिट में था। सो बैंक अकाउंट डेबिट में मतलब क्या, बैंक इज़ अ रिसीवर। तो जब जब बैंक अकाउंट डेबिट में है वो सब एंट्री अभी हम लोग इस लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैसा बैंक अकाउंट में आया था टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33,000। आप वापस एक बार पीछे जाके प्रॉब्लम देख सकते हो, 33,000 आया था एप्लीकेशन का। फिर अलॉटमेंट का आया था 47,000। कैसे 47,000? देखो, 50,000 था लेकिन 3,000 ऑलरेडी आया था, तो हमने वो माइनस कर दिया। 47,000 आपका आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आया था फर्स्ट कॉल का, एक्चुअली आना चाहिए था 20,000 लेकिन आया था 19,600, क्योंकि मिसेज शोभा ने 400 रुपया नहीं भरा था। और इसी तरह इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का भी आया था 19,600, उधर भी मिसेज शोभा ने 400 नहीं पे किया था। इस तरह मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,19,200। बस सब बैंक अकाउंट डेबिट में, कोई भी किधर भी बैंक अकाउंट क्रेडिट में नहीं है, तो मैं बैंक अकाउंट क्लोज करता हूँ। सेम 1,19,200 सेम मैं डेबिट में लिखू ऊपर लिख दूंगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये भी आपको पता है कि बैंक में जब भी हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो ये बैलेंस शीट में असेट में चला जाता है। तो अब मैं बना रहा हूँ सुहास का बैलेंस शीट, सुहास लिमिटेड का। और ये जो बैलेंस आया है 1,19,200, ये मैं असेट में लिख देता हूँ बैंक अकाउंट 1,19,200। अब जरा अच्छी तरह समझ लो लाइबिलिटी में आपको क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, देखो ये रेड में क्यों दिया है मैंने, 9,800 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से ही पैसा आया है हमारे पास, क्योंकि मिसेस शोभा के टोटल 200 शेयर हमने कैंसिल कर दिए। तो उसका कुछ भी पैसा मत पकड़ो आप, इसका मतलब आपने 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से 200 शेयर आपने कैंसिल कर दिए। सो 9,800 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से आपके पास आए हैं टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 98,000। ओके, तो जब भी आप शेयर फॉर फ्यूचर करते हो उसको आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं लेना है। हाँ, अगर हम री इशू करते तो बात अलग है, अभी हमने री इशू नहीं किया है। फिर उसके बाद इधर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले मैंने बताया ना, वो जो 2 रुपीज़ हमें जो प्रीमियम का एक्स्ट्रा मिला है वो कभी भी शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करना है, उसको अलग से लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस में, और उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम।
20,000, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 लोगों ने 20,000 भरा, और हमें वो जो मिसेज शोभा का 1,200 रुपया उसने हमारे पास भर दिया, आगे का पैसा उसने नहीं भरा। तो हमने उसको कहा सॉरी, अभी आपको आपका वो 1,200 वापस नहीं मिलेगा, और वो हमने शिफ्ट किया था, किधर शिफ्ट किया था, कैपिटल रिजर्व में। सो कैपिटल रिजर्व भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है। सो कैपिटल रिजर्व 1,200, ये 1,200 किधर से आया, शेयर फॉरफीचर का 1,200 मिसेज शोभा का हमारे पास पड़ा था। तो इस तरह मैं इसका टोटल कर लूँ, सो 21,200। और अब अगर मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल करूँ तो 1,19,200। सेम अगर मैं एसेट का टोटल करूँ तो 1,19,200। सो इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 6, अभी देखो लाइन से मैंने आपको 12th कॉमर्स का स्टेट, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बुक है, उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल टेक्स्ट बुक में 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, उसमें से 7 मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन करके कंप्लीट करके दिए हैं। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी उनको बताना है, लेकिन सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अबाउट फॉरफीचर एंड री इशू। जब तक मैं आपको फॉरफीचर और री इशू के सब रूल नहीं बताता नेक्स्ट लेक्चर में, और वो रूल आपको अच्छी तरह नहीं समझते, तब तक मैं क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए अब जल्दबाजी मत करो, मेरा नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर पे जो वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें शेयर जब फॉरफीचर होता है और री इशू होता है तो उसमें जितनी भी जर्नल एंट्री है वो पहले मैं आपको 1 by 1 एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूँगा। उस वीडियो को आप एक बार देख लो, मुझे रिप्लाई दे दो कि वो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वीडियो आप एक बार देख लो, मुझे रिप्लाई दे दो कि सर हमें ये पूरा अच्छी तरह समझाए, उसके बाद ही आपका रिप्लाई देखने के बाद फिर मैं क्वेश्चन 8 आपको एक्सप्लेन करूँगा। और एक बात, आप कोई टेंशन मत लो, टेक्स्ट बुक में जितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम हैं सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ओके, ओनली आप ये चैनल, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।